नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। कितना अच्छा लगता है अगर कोई कहता है कि मैं बिहार को बदल के रख देने वाला हूं या रख देने वाली हूं। कोई यह भी कहे कि बिहार की तमाम सूरतों को ही बदल दिया जाएगा और वह स्थिति आएगी जिसमें हर कोई सुख करेगा, उन सारी सुविधाओं में इजाफा कर दिया जाएगा, चाहे बिहार जिन चीज़ों से जूझ रहा हो, चाहे अशिक्षा हो, भूखमरी, गरीबी, चाहे कोई भी कुव्यवस्था हो, उसे दुरुस्त कर देने की बात कोई कहता है तो बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन यह सब होगा कैसे, संभव कैसे होगा? तो स्वाभाविक है, सही राजनीति, सही गवर्नेंस, इसके जरिए यह चीज़ होगा। बिहार में जो इन दिनों की राजनीति है वो व्यस्क राजनीति के तौर पर जानी जाती है, जहाँ पे युवाओं की भागीदारी कम है और लेकिन जो प्रौढ़ लोग हैं, जो व्यस्क लोग हैं, वो इसमें राजनीति को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि बिहार विकास तो कर रहा है लेकिन जब आंकड़े, फैक्ट और तथ्य की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें लगती हैं कि बिहार में कोई काम हुआ ही नहीं है। अब बिहार में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को बदल देने का मादा रखने वाले ऐसे लोगों की बात आज हम करेंगे। इसमें हम कई लोगों को शामिल करेंगे जिसमें दो धाराएं बटी हुई हैं। एक धारा है जो यह कहता है कि वो पुराने राजनेताओं के पैटर्न पे ही चलना चाहता है, उसी तरीके से जाता है। दूसरा है जो डिजिटल क्रांति को अपनाते हुए वो चाहता है कि मैं बिहार को बदल दूंगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किसका किसका नाम लूंगा और इसमें चर्चा या लाजमी क्यों हो जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में सेंसेशन बन चुकी सोशल मीडिया पर, जिन्होंने स्वघोषित अपने आप को कहा है कि मैं बिहार के सीएम कैंडिडेट हूं, पुष्पम प्रिया चौधरी। इसके अलावा हम कई लोगों की और बात करते हैं जिसमें से, जिसे आप नकार नहीं सकते, उसमें बिहार के युवा शामिल होते हैं। तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, चिराग पासवान हैं, अभी एक टीम अभिमन्यु का नाम आया था वो हैं, कन्हैया कुमार हैं। इन सब के अलावा एक नाम और, जो प्रशांत किशोर। कितने युवा हैं ये अलग बात है, लेकिन उनकी सोच जो वो कर रहे हैं वो मायने रखता है, वो बात बिहार के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बाद एक लड़की आती है, पुष्पम प्रिया चौधरी, जो यह अखबारों में विज्ञापन दे के यह कहती हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, समय आ चुका है। उन्होंने राजनीतिक पार्टी भी बनाई है प्लूरल्स, जिसमें उनका कहना है कि सबका शासन होता है, एवरी वन गवर्न्स। तो अब इनके पास जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, जो ढांचा ये लेकर के आ रही हैं, जो पैटर्न लेकर के आ रही हैं, उससे वो बिहार को बदल देने की सोच रखती हैं। वो कहती हैं डंके की चोट पर कि 5 सालों में बिहार को बदल दूंगी। जैसे ही सोशल मीडिया पर या कुछ लिखती हैं, इनके आलोचनाओं करने वालों की भी कमी नहीं रहती है, वो सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं और लंदन से बैठे बैठे बिहार बदल नहीं जाता है, इसके लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। तो उन्होंने इन लोगों का जवाब भी दिया, उन्होंने हिंदी में लिखना भी शुरू किया, उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि मैं बिहार में ही हूँ, अरसों बिहार में रही हूँ और बिहार को समझने की पूरी कोशिश की हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पुराने नेताओं की तरह, उन नेताओं की तरह बिल्कुल नहीं हूं जो माइक और हॉर्न लेकर के पोपो करते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पर अगर शांति से अपनी बात रखती हूं और आपको फीडबैक देने का मौका देती हूं तो मेरा जो तरीका है वो बेहतर है। वो चाहती हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए बिहार को जागरूक कर दें। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए हैं वही बिहार है। अगर उन्हें यह लगता है तो ऐसे में बिहार को बदलेंगे तो शायद संभव नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वह घूमते हुए भी दिखाई पड़ती हैं, वो टारगेटेड बिल्कुल प्लान के हिसाब से वीडियो बनाती हैं, लोगों को समझाती हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, टीम मैदान में है, लोगों को जोड़ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्होंने जो एक बातें कही, मैं इनके पोस्ट को फॉलो कर रहा था, पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि 8 दिन में दुनिया बदल जाती है, हमारे पास तो 8 महीने हैं और 8 महीने में वो सब कुछ बदल के रख देंगी। उनके पास ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो बिहार को बदल देने की बात करेंगे। वो युवाओं की बात कर रही हैं, वो खुद महिला हैं, लेडीज हैं, वो भी कहती हैं कि लेडीज भी सब कुछ कर सकती है, वो स्त्री की बात करती हैं। वो किसानों की बात कर रही हैं, वो नाली, सड़क, पानी, बिजली, भूखमरी, खाना पीना, बच्चे, शिक्षा, इन सब की बात कर रही हैं। वो फैक्ट लेके चलती है, उनके पास तथ्यों की लिस्ट है, वो उसके अनुसार से पोस्ट लिखती हैं, लोगों को बताती हैं कि बिहार इन सब मामलों में पिछड़ा हुआ है।
लेकिन वो अचानक से चुनाव लड़ने आ जाएंगी और यह कोई नहीं सोचा था कि वो मैदान में आएंगी और कहेंगी कि मैं सीएम कैंडिडेट हूँ और हमारी पूरी टीम तैयार है, हम मैदान में उतर चुके हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, 8 महीने में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो कमाल कर देंगे। लेकिन बात अब हम धरातल पर करने की कोशिश करते हैं कि वो जो कह रही हैं उसमें कितना दम है, और हम उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर पुराने नेताओं के स्टाइल में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लोगों के बीच घूमते हैं, मैदान में जा रहे हैं, भीड़ उनका स्वागत करती है, जनसैलाब उमड़ पड़ता है, लोग उन्हें सुनने आते हैं। कन्हैया कुमार बिहार के तमाम जिलों में घुसते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं, जमीन पे काम करने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। कन्हैया कुमार भी अपने तरीके से लोगों को रिझाने, समझाने, बुझाने में लगे हुए हैं। उन्हें भी आगे बिहार विधानसभा चुनाव को देखना है, लोकसभा लड़के देख चुके हैं और वो भी क्विक मैदान में गए थे। उन्हें लगा था कि मैं पुलिस लहर में अपने भाषण से, मैं अपनी बातों से लोगों को लुभा सकता हूँ, वोट में ले सकता हूँ। नतीजा फिसड्डी रहा, कन्हैया कुमार वो कोई करिश्मा नहीं कर सके। तो पुष्पम प्रिया चौधरी को यहाँ भी सबक लेना पड़ेगा कि बिहार की जनता समझदार जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती हैं तो 11 करोड़ लोग इस चीज़ को सुन समझ रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम धरातल पर कन्हैया कुमार करने गए, भाषण देने गए, रैली करते रहे, लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला। तो सबसे पहली बात है कि बिहार के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पैटर्न है उसको चेंज करना आसान खेल नहीं है। अगर यह आसान होता तो प्रशांत किशोर को मैं बीच में ले आ रहा हूँ, प्रशांत किशोर की बात इसलिए ज़रूरी भी है कि प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी में बेहतर कौन की भी बात यहीं से उठने शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर जो बिहार आए, जब उन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बिहार आए, उन्होंने कहा कि मैं बात बिहार की एक कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं अगले 4-5 सालों तक 6 सालों तक बिहार के युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूंगा, उन्हें ट्रेंड करूंगा कि वो बिहार की राजनीति में आगे आएं, बिहार के साथ जुड़ें, बिहार के लिए काम करें, बिहार के विकास में वो योगदान दें। तो उनकी योजना 5-6-7 सालों की है, भविष्य की योजना है। प्रशांत किशोर एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इतने ज्ञानी हैं, जो एक बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा चुके हैं और फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की 2014 वाली सरकार को भी बनाने में उनका अहम योगदान माना जाता है। जब उन जैसा माहिर खिलाड़ी को लगता है कि बिहार में बदलाव इतना आसान नहीं है, समय मांगता है बिहार, तो फिर ऐसे में आप पुष्पम प्रिया चौधरी जी, आप कैसे बिहार आएंगी और आते ही आप बदलाव कर देंगी? यह सवाल लोगों के मन में है कि आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है जो प्रशांत किशोर से बेहतर है। प्रशांत किशोर जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो बात बिहार की कर रहे हैं, युवाओं को समझाने बुझाने की बात कर रहे हैं, वो गांव से लेकर के शहर तक युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं और वो भी फैक्ट वाले हैं, उनके पास भी बहुत सारा फैक्ट है, तथ्य है और वो सारे आंकड़े लेकर चलते हैं। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ने विकास किया लेकिन जिस रफ्तार में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, कई मामलों में बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, कई मामलों में क्या, बहुत सारे मामलों में बिहार पिछड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल करके बिहार की कमियों को गिनाए। अब देखिए तरीका सबका अलग अलग है, तो मैंने मुख्य रूप से यह वीडियो समझी है कि प्रशांत किशोर जब भविष्य की बात करते हैं कि मैं वहाँ आऊँगा, चेंज करूँगा, फिर तय होगा कि बिहार में चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव या पॉलिटिक्स इस इर्द गिर्द नहीं घूम सकती, वो युवाओं को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार वो कई विकल्प को खड़ा करने की सोच रहे हैं, जो एक विकल्प खड़ा हो जो नीतीश कुमार की काट हो, जो भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू इसकी काट हो, वो उसके विचारधारा को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी उस विकल्प के तौर पर दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन प्रशांत किशोर से अलग हैं। क्या प्रशांत किशोर उन्हें ये करेंगे, बूस्ट करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर भविष्य की बात कर रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी 8 दिन में दुनिया बदलने की और 8 महीने में बिहार में सरकार बदल देने की बात कर रही है। मुझे नहीं लगता कि यह चीज़ इतना आसान है कि इतनी आसानी से बिहार में आप बदलाव कर देंगे। आप लंदन से पोस्ट लिखती हैं, फिर बिहार आती हैं और धरातल पर घूम रहे हैं, 8 महीने में आप क्या करेंगी, कितने पैसे खर्च करेंगी? पैसा तो राजनीति का एक पैटर्न बन चुका है, जब तक पैसे खर्च नहीं करेंगे बातें आपकी जगह तक नहीं पहुंच पाती है। चाहे आप अखबार का माध्यम उठा लें या सोशल मीडिया का माध्यम उठा लें, आप अपने पोस्ट को भी स्पॉन्सर्ड करती हैं जिससे लगता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रही हैं उसमें सोशल मीडिया को एक हथियार बना रही हैं। हथियार ठीक है लेकिन हर बिहारी सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ नहीं है, गाँव के लोग को जोड़ने के लिए गाँव तक जाना पड़ेगा,
आप उसके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन 8 महीना के आपके लिए संभव है। तो सवाल आप भी तय कीजिए कि प्रशांत किशोर की जो प्लानिंग है, पुष्पम प्रिया चौधरी की ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो लगता है कि 8 महीने में वो मुख्यमंत्री बन जाएगी। प्रशांत किशोर को लगता है कि 4-5 साल बाद वो कुछ बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। इसकी बात तो हो गई। अब देखिए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग ये मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ये जनता की राजनीति करने के लिए पहुंचते हैं, जनता को लुभाते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं। इनके राजनीति का तरीका वही है जो सदियों पुरानी राजनीति चलती आ रही है, उसके इर्द गिर्द ये लोग घूमते हैं। और ये लोग कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इनके साथ अनुपम सुमन का नाम जोड़ा जाता है जो IRS रह चुके हैं, तो काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स लोग जुड़े हुए हैं। तो इनके पास वो तरीके हैं, ये फैक्ट्स तथ्य के साथ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे यात्रा निकालते हैं, कोई संविधान बचाने की यात्रा निकालते हैं, कोई बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालते हैं, इस तरह की यात्राओं के साथ मैदान में जा रहे हैं। और इन्हें लोग जान रहे हैं, इन्हें जानते हैं कि ये क्या करेंगे क्या करेंगे। बावजूद इसके लोगों का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार पर ही दिखाई पड़ता है। तो बिहार की राजनीति में ये युवा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें जनता से कनेक्शन है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी, 8 महीने में आप क्या करेंगे? आपने कहा कि कारमा नहीं, हम सफर की तलाश है, हम सफर की तलाश है। वो तलाश कैसे पूरी होगी? आप डेली पोस्ट लिखते हैं उससे होगी, या आपकी चीज़ें वो दिखनी चाहिए ना मैदान में। तो आप 8 महीने में क्या करती हैं इसका इंतजार तो सबको रहेगा, और प्रशांत किशोर क्या करते हैं वो भी लोग देखेंगे, लेकिन भविष्य में। तो इस बीच में अगर आप मैदान में आ जाती हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाती हैं, प्रशांत किशोर का फार्मूला साइड हो जाएगा, आपका फार्मूला चलेगा। अगर वो हैं तो आप ये करके दिखाइए, सबको खुशी मिलेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को बदल देना इतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर लिख करके अपनी बातों को रखते रहना है। BeforePrint.in में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।